नाजन जैसे कि हम आपको बताते चले, ये सिंध तहरीक के कायम मुकाम सरबराह अब्दुल फतेह चना कारकुन अब्दुल हादी बुर्दी को हमराह रियासती इदारों के हाथों जबरी तौर पर लापता किया गया। वारिसों ने पुरजोर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इन पे कोई केस है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोर्ट में केस हल किया जाए। हर माह का एहतजाज रिकॉर्ड कराइंदी सूरत में जो असर जरिया स्टूडेंट यूनियन थे बार काउंसिल जहाँ मेंबर थे समाजी पार्टी थी ह्यूमन राइट्स कमीशन थी अकवा मुतहदा थे इंसान दोस्त तंजीमू आज अस उन रातों कहीं रियासत के पदरों कहो कर इंतहा गलत है गद्दारी करे रहे हैं ये सर कौन है ताचा जवट यो ठेको गद्दारी है सुन लो आज मुझे जो परवेज मुशरफ लोड़े रहे हो है आई पे हमर मार में लोड़ी दा चेक करे मंजन जो बारे अब्दुल फदा चना के आजाद कयो जे आई मेरे सुन जे को भी खारपुर के आजाद कयो जे मेहरबानी होता कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खान बेन दा कि खान के अब्दुल फदा चना हादी बुदी ने बया जे के कमी कारकुन है इदा शाम आए उनन के आजाद कयो जे अगर जो को केस आए तो जुडिशनरी तरीके उनके कोर्ट में दायर करें जहाँ केस लाया वन ये तो एक पाकिस्तानी आयन की भी जिलावर्ती कई जो धाड़े लगती हैं जो गुंडन की जो सरेआम कौमी कारकुन के हमें गुम करता उन अमल की अस सख्त मुदम्मत क्यों था सजी सिंध में एहतजाज के सिलसिले जो भी सद दूँ था मुतालबो कर चाहता अस मुतालबो है अब्दुल फतेह चना के कोर्ट दायर कर आजाद कर वन आदिपुर जी के दीदार शाम के जी सर तुम चव आजाद ता छा मुतालबो कन चन सिंध जे सड ते सड जे को न दे चल कोड़ो थी मरे शा काफर थी मरे असा जो मुतालबो असा जो एहतजाज इन शय जी घुर तो करे त सजी सिंध मजा नरगो पर सजे पाकिस्तान मजा जेके मानू गैर कानूनी ए गैर आईनी तौर ते नाजायज रमुल सा खबे घुम कया वा उनन के आजाद कयो जे असा जो कौमी कारकुन कौमी अगवान जेस तहरीक जो अगवान भाऊ अब्दुल फतेह चना कामरेड फतेह चना आई उन सा गन आदि सियाल आई बिया असा जा साईं मसूद शाह जिनके खंभे गुम कयो वियो है उन के फौरी तौर ते आजाद कयो जे कने उन ते को केस आए का गाल आए को फरियाद आए उन के कोर्ट में पेश कयो जे तमाम पाकिस्तानी कोर्ट जी आइन जी खिलाफ वर्जी कयो पिया एक दी ता के बसाई तके छदीदा सी दी चौक ते ये तांकड़ मुतालबो कर छेना असा के मुतालबो जो सालन का करी पिया जी सादो से तो मुतालबो आए सिंध मा जबरी तौर जे के खंबे गुमशुद भी मन उनन के खिलाफ असा के जाच चला का अज असान जो ही जो कोटड़ी प्रेस क्लब ते एहतजाज है वो जी एस एन तहरीक के मरकजी कायम मकाम सदर अब्दुल फतेह चना आदि बुर्दी सैयद मसूद शाह शौकत मरखंड दीदार शाम बया कोटसारा कौमी कारकुन जो खंबे गुम कया वह जबरी तौर उन खिलाफ ही जो एहतजाज किया है अस समझू पाको रियासती ऑपरेशन जी एस एन तहरीक से शुरू थो है यो जी एस एन तहरीक से न पर सिंधी कौम से यो ऑपरेशन है जो साल का वी हल पो अस इन की सख्त लफ्ज में मजम्मत क्यों था अस इन रियासत का इन चीफ जस्टिस का यो मुतालबो था क्यों तीको गैर आइनी गैर फितरी गैर इस्लामी जो अमल थे पो इन पाकिस्तान के रियासत के अंदर वो फौरन बंद थे उन इतार कोर्ट के रोटी तो वे
جيڪو آهي سو جيڪڏهن توهان سمجهو ٿا ڪي به قومي ڪارڪن عبدالفتاح چنا سيد مسعود شاه شوڪت مرڪند ديدار شام هادي پور تي يا ٻين قومي ڪارڪنن تي ڪو اهڙو ڏوه آهي توهان جون ئي عدالتون ٺهيل آهن ٽن ٽن قسمن جون فوجي عدالت سول عدالت شيشن فلاڻي فلاڻي انهن ۾ توهان انهن کي ظاهر ڪيو انهن کي وٺي اچو توهان جي قانون مطابق جيڪڏهن نه تا اسان سمجهون ٿا يا سڄي دنيا سمجھي ٿي ته توهان ئي پاڻ هن پنهنجي ٺاهيل قانون جون تھجيون اڏايو پيا توهان ان قانون جي جيڪو آهي سو بھنجڪڙي ڪريو پيا سو جي اهو ڪنهن بہ دنيا جي قانون ۾ ناهي ت ڪنهن بہ هڪ پرامن شهري کي توهان تشدد ڪري ان کي کمبي گم ڪري سالن جو سال ان کي رکي ڇڏيو ته اهو غير قانوني غير اخلاقي غير اسلامي عمل آهي جيڪي اسان مذمت ڪيون ٿا ऐं असां सिंधी माण्हुनि खां इहा उमेद रखूं था ऐं सिंधी माण्हुनि खे इहा जेका अपील कयूं था त तव्हां अचो पंहिंजा क़ौमी अॻवान बचायो पंहिंजी सिंध बचायो क़ौमी कारकुन बचायो जेको हीअ रियासत जी अमल पई करे इन जे ख़िलाफ़ु असां सां गॾु थियो ऐं इन एहतजाजनि में असां सां शरीक थी वञो जीअं असां पंहिंजा माण्हू बचाए सघूं पंहिंजी सिंध बचाए सघूं।